नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देश सेवा में तैनात बीएसएफ जवान की आकस्मिक कारणों के चलते हुई मौत, जानकारी मिलते ही परिजनों समेत गांव में मचा कोहराम। जी हां, आपको बता दें, पूरा मामला तहसील भोगीपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिहारी गांव का है, जहां सिहारी गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार, जो कि बीएसएफ 45 बटालियन जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में पोस्टेड थे, जिन्होंने 32 वर्ष देश की सरहदों की हिफाजत करते हुए आकस्मिक कारणों के चलते अंतिम सांस ली। जहां सेना से आकस्मिक निधन की जानकारी मिलते ही परिजनों समेत गांव में कोहराम मच गया। वहीं दूसरी ओर सेना के जवान धर्मेंद्र कुमार यादव के पार्थिव शरीर को ट्रक में लादकर जैसे ही गांव पहुंचे, वहां सैकड़ों लोगों का जनसैलाब अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा, तथा गांव के लोगों समेत सपा नेता वीर सेन यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अरुण यादव उर्फ बबलू राजा, शशांक यादव, जुनैद पहलवान, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष आशुतोष पांडे समेत भोगनीपुर विधायक अपने कार्यकर्ताओं के साथ मृतक फौजी के परिजनों से मिलते हुए श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि सिहारी गांव निवासी बीएसएफ जवान ड्यूटी के दौरान बीमारी के चलते खत्म हो गए। मैं कोशिश करूंगा कि सरकार की तरफ से मिलने वाली सभी प्रकार की सुविधाओं के साथ उन्हें शहीद का दर्जा मिले। जी, आज सिहारी गांव में एक बीएसएफ जवान की शहादत का जो मामला प्रकाश में आ रहा है, आपका मौके में आप यहाँ पे आए हुए हैं, तो किस तरीके से मृतक फौजी परिजनों को सांत्वना दी है आपने, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बड़े अफसोस की बात है कि ऑन ड्यूटी बीएसएफ के जवान जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में तैनात थे और वो अपनी ड्यूटी पर थे, उसी समय उनको हार्ट अटैक आ गया और उनकी मृत्यु हो गई है। और जो सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं वो दी जा रही हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं स्थानीय स्तर पर और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी इनको शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि ये ऑन ड्यूटी थे और ऑन ड्यूटी पर अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसको भी शहीद दर्जा मिलना चाहिए, ऐसा हम लोगों का प्रयास रहेगा। और हमने परिवार को सांत्वना दी है और मेरा मानना है कि जैसे जाबाज सिपाही थे धर्मेंद्र कुमार यादव जी, ऐसा एक इतिहास रचेंगे और ये निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के सिहारी गाँव के रहने वाले अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता तो जो भी संभव सहायता होगी सारी सब छोड़ देंगे। क्या सर, आपकी तरफ से इस गाँव के लिए कुछ सौगात दी जा रही है क्या इस शहादत को लेकर? शहादत के लिए निश्चित रूप से, क्योंकि ये जवान है और इनका बात करनी पड़ी सरकार लेवल पर, यहाँ की जो रोड है उसका नामकरण के नाम से कराया जाए। और अब विषय है बात करने का, शासन प्रशासन से बात करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है, इसके पहले कोई बात नहीं की जा सकती।